वाइफ और इस परिवार पे हर मुसीबत को बहुत दर्द होता, आप रहा नहीं जा रहा। और फिर अगला उन्होंने बोला, अच्छा तो आपको एक्टिंग एक्टिंग कैसे सीखी आपने? एक्टिंग तो बच्चों के लिए खेली है। तारक मेहता वालों, आपके लिए भी काम आ गया है, ठीक है। माही के प्रोडक्शन हाउस परी में आपके लिए वैकेंसी है। मैं वैसे एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ और उसके पैसे प्रोड्यूसर में डालूंगी। अरे आप तो वही हो जो कलर्स टीवी पे आते हो, है ना? Yes. कौन से सीरियल में? डोरी। तो लेकिन ये तो आप एकदम पत्ते वत्ते लगा रखे हैं आपने, मोगली बने हो आप तो? मोगली नहीं, हाँ। ये अपने बाबा को बचाने के लिए बनी हूँ पत्ते। बाबा को कैसे बचाओगे? लेकिन पत्ते लगा के बाबा को कैसे बचाओगे? वो मैं भोला बनती हूँ तो मुझे कपड़े निकालने होते हैं एक सीन में। अच्छा। तो मैं पत्ते लगा देती हूँ अपने बॉडी पे। अच्छा, ये आइडिया क्या, कौन देता है आपको? वो मैं अपने आप सोचती हूँ। अपने आप सोच लेते हो? यस। तो भोला क्यों बने वैसे आप? भोला वो क्योंकि मेरे बाबा को माता आई थी। अच्छा। तो उन्हें बचाने के लिए मैं भोला बनी। अच्छा, तो भोला बनके ज्यादा मजा आ रहा है या डोरी में ज्यादा मजा आ रहा है? सच्ची सच्ची डोरी, क्योंकि वहाँ पे 9 बजे का कॉल टाइम, अभी भोला में 8:30 का कॉल टाइम, आधे घंटे में ही बस। तो आधे घंटे कम सोने को मिलता है। यस। इसलिए क्या बात है। अच्छा, स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते? वैसे तो जाती हूँ पर अभी छुट्टियां हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं छुट्टियां नहीं है, शूट के वजह से नहीं जाती। शूट के वजह से? अच्छा, सेट पे मम्मी पापा आते हैं? कौन आता है? मम्मी। मम्मी आती है? तो क्या खाते, क्या हो, फेवरेट चीज क्या है आपकी? मेरी फेवरेट चीज पास्ता। पास्ता? व्हाइट सॉस, रेड सॉस? रेड। रेड सॉस, ओके। इसके अलावा? इसके अलावा रोटी सब्जी। रोटी सब्जी कौन सी? सब्जी लाइक कैबेज। कैबेज, क्या बात है, इसीलिए आप ग्रीन ग्रीन आपने पहना भी है। तो वेरी गुड बच्चे हो आप, तो कैबेज खाते हो? खाती हूं। अच्छा ये बताओ, अब आपका जो सीरियल है इतने सारे लोग उसको देखते हैं, रोज वेट करते हैं कि अब डोरी क्या करेगी, अब क्या करेगी, तो अब क्या करने वाले हो आप, क्या ट्विस्ट आने वाला है? अभी कल आएगा मेरा भोला का लुक। कल आएगा भोला का लुक? हाँ। हमने आज ही देख लिया, क्या बात है। तो भोला बन के आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या करने वाले हो? वो लाइक गुंडागिरी। गुंडागर्दी मींस गुंडागिरी। अच्छा। लाइक डायलॉग्स ऐसे हैं। बोलना एक आधा। वो मैंने मॉक शूट में किया था, नानी को मैं बोलती हूँ ए मोटी। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, वैसे तो नहीं बोलते ना किसी को, तो बैड मैनर्स होती हैं। अच्छा, अभी मैंने देखा आप बर्फ के ऊपर अपने पैर रख रहे थे, तो कैसे रख लिया आपने? ठंडी तो मुझे बहुत लगती है। कितनी देर के लिए रखा? मैंने आई थिंक सो 1 मिनट। 1 मिनट के लिए? तो फिर तो मतलब बहुत ठंडे हो गए होंगे आपके पैर। अभी तो गर्म हो गए। गर्म हो? आपने मना नहीं किया उनको कि मैं तो नहीं रख रही? मुझे डर नहीं लगता वैसे। हाँ। डायरेक्टर अच्छे डांटते तो नहीं? नहीं, प्यार से काम कराते हैं। हाँ। चॉकलेट वॉकलेट देते हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपका फेवरेट को स्टार कौन सा है सेट पे, जिसके साथ काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? अमर सर और सुधा मैम। अमर सर और मानसी मैम। और मानसी मैम, क्या ये तीनों चॉकलेट वॉकलेट लाते हैं आपके लिए? सुधा मैम गिफ्ट्स ले आती हैं। हाँ। मानसी मैम अब तक नहीं ले आई। अब तक नहीं लाई, बोलता हूँ जो भी मानसी मैम गिफ्ट लेके आओ, ठीक है, अब तक आप गिफ्ट नहीं लेके आए हो। और अमर सर? अमर सर भी नहीं लाए। तो मानसी मैम, अमर सर गिफ्ट लेके आई है माही के लिए, ठीक है, सुधा मैम गिफ्ट लेके आई है, तो सुधा मैम टॉप पे है ना अभी, मतलब सुधा मैम सबसे अच्छी। मुझे तो सब पसंद है सेट पे। जो गिफ्ट लाता है वो सबसे अच्छा होता है ना? नहीं नहीं, वैसे भी सब अच्छा होता है। सब अच्छा। अच्छा तो आपको एक्टिंग एक्टिंग कैसे सीखी आपने? वो मुझे भी नहीं पता। मुझे भी अपने आप आ गई। यस। तो अभी एक्टिंग में करनी है? हाँ। वो पढ़ाई में क्या करना, क्या बनना? मैं वैसे एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ और उसके पैसे प्रोड्यूसर में डालूंगी। उसके पैसे प्रोड्यूसर में कैसे डालोगे? क्योंकि उसे एस्ट्रोनॉट बन के जो पैसे कमाओगे उसे सीरियल बनाओगे, ये कहने का मतलब हुआ? यस। उसमें खुद ही हीरोइन बनोगे?
नहीं नहीं दूसरे हीरोइन को भी चांस दोगे? यस। बहुत बड़ा दिल है माही का, ठीक है, कि वो एस्ट्रोनॉट बनेगी, उससे पैसे कमाएगी और फिर सीरियल्स बनाएगी, तो आपको भी चांस मिल सकता है उसे सीरियल्स में काम करने का। कैसे एक्टर चाहिए आपको? वो मुझे अभी नहीं पता। अभी नहीं पता, वो बड़े होके, पर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस का नाम सोच लिया। हाँ, क्या? परी है? परी। क्या बात है, तो 7 साल की उम्र में उसने प्रोडक्शन हाउस का नाम भी सोच लिया, परी। माही क्यों नहीं? नहीं, मुझे नहीं रखना अपने नाम। तो परी क्यों सोचा आपने? ऐसे ही। ऐसे ही परी पसंद है आपका नाम? लाइक रेनबो। मेरा कंफ्यूजन है, वो मैंने अभी तक सोच रही हूँ। अच्छा, क्या रखूँ। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप कोई सीन शूट कर रहे होते हो यहाँ पे डोरी के सेट पे, तो बड़े सारे टेक्स लेने पड़ते हैं? लाइक कभी कभी लाइन्स ऐसे होती हैं, समझ नहीं आती, तभी लेने पड़ते हैं। तो डांट तो नहीं पड़ती? नहीं। सबको आपने अपनी क्यूटनेस से जो है वो कर दिया है कि नहीं, क्यूट बच्चा, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा? ऐसा है। तो अभी भोला कितने दिन तक भोला रहेगा? डोरी कितने दिन तक भोला रहने वाली है? आई थिंक सो 2 months। 2 months तक। तो आप डोरी को मिस करोगे? यस। डोरी में ज्यादा मजा आता है वैसे ना? यस। भोला बोरिंग है? लाइक लिटिल लिटिल ना, और आधे घंटे जल्दी भी आना पड़ता है। तो 2 महीने अब आधे घंटे जल्दी आना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी 11 बजे का होता है जब फर्स्ट सीन में मैं नहीं होती हूँ। तो जब शूट खत्म हो जाता है सबसे पहले क्या करते हो? कपड़े निकालती हूँ। कपड़े निकालते, उसके बाद घर जाके? घर जाके नहाना पड़ता है। हाँ, कलर सब। कलर सब, तो फिर खेलते हो? हाँ। क्या? फोन देखती हूँ। फोन देखती हूँ? फोन क्यों देखते हो? ऐसे ही। फोन नहीं देखना चाहिए ना? देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए ना? पेपा पिक, तारक मेहता, ये सब देखती हूँ। अच्छा, पेपा पिक। फेवरेट कार्टून कौन सा? तारक मेहता। तारक मेहता। डोरेमोन? नहीं नहीं। और? और पेपा पिक। पेपा पिक। तो अगर कोई फेवरेट कार्टून से मिलना हो, किससे मिलेगी डोरी? मेरा सपना है तारक मेहता। तारक मेहता? तारक मेहता से जाके मिलना? तारक मेहता सीरियल में किसी से मिलना या सबसे? सबसे, मतलब तारक मेहता सीरियल के सारे। Yes. अगर तारक मेहता सीरियल में डोरी को बुला लिया जाए, मुझे चलेगा? चलेगा, मजा आएगा वहां जाके। अगर डोरी को कहा जाए कि अब आप तारक मेहता में काम कीजिए, डोरी करेगी? Yes. अच्छा, अपने प्रोडक्शन हाउस में तारक मेहता वालों को लोगे? Yes. ले लोगे? चलो ठीक है, तो तारक मेहता वालों आपके लिए भी काम आ गया है, ठीक है। तो कुछ साल बाद, हालांकि आपका शो चलता रहे, बट कुछ साल बाद माही के प्रोडक्शन हाउस परी में आपके लिए वैकेंसी है, ठीक है। अच्छा, एक्टिंग की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आई डोंट लाइक। नहीं नहीं, मतलब एक्टिंग में सबसे अच्छा क्या लगता है? डायलॉग बोलना अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, सेट पे आना अच्छा लगता है? सेट पे आना अच्छा लगता है, क्योंकि एक्टिंग तो बच्चों के लिए खेल है। हाँ, एक्टिंग बच्चों के लिए खेल है, तो आप तो बच्चे ही हो। हाँ, तो अभी लोग सेल्फी वेल्फी लेते हैं आपके साथ? यस। मजा आता है, फिर स्टार टाइप फील होता है। हेलो, थैंक यू सो मच माही। आपका जब प्रोडक्शन हाउस आएगा परी, तो उसमें मुझे भी कुछ काम देना, ठीक है? आई विल ऑल्सो कम, एंड ऑल द बेस्ट। और आप बहुत एंटरटेन करते हो, और ऐसे ही आप एंटरटेन करते रहो, अब भोला बन के और फिर दोबारा डोरी बन जाओ, ठीक है? तो भोला वाला ट्विस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने खुद वो शूट देखा है, और भाई पता नहीं इसने कैसे किया है, बर्फ की सिल्ली के ऊपर खड़े होकर, इट इज वेरी स्केरी। तो सीरियल में कब देखने को मिलेगा वो? 28 को देख लेना, कि डोरी जो है वो भोला बनके कैसे ऐसा सीन शूट कर रही है कि आप भी बस एकदम हैरान हो जाओगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू, फिर मिलेंगे। बाय बाय।